बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेसिपी चॉकलेट मिरर ग्लेज की, और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं। हाफ कप इसके लिए लिए है मैंने चीनी, 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टेबल स्पून जेलेटिन, या आप अगर यूज़ कर सकते हैं। हाफ कप मैंने लिए डार्क चॉकलेट, हाफ कप ली है हैवी क्रीम, और हाफ कप जो है वाटर है। तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी तकरीबन 2 चम्मच। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लेते हैं ताकि ये जो है वो फूल जाए, और इसको मिक्स करके साइड पे कर देते हैं। अब एक मैं पैन ले रही हूँ, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/2 कप चीनी, 1/4 कप इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर, जो पानी बाकी बच गया था वो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, और साथ ही इसके अंदर मैं ये ऐड कर रही हूँ हैवी क्रीम, और इसको भी हमने इसके अंदर डाल के अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैंने इसको फ्लेम ऑन की है और इसको पकाना है ताकि इसको बॉयल आ जाए इसके अंदर। इतनी देर बस इसको पकाना है कि चीनी डिज़ोल्व हो जाए और ये जो क्रीम है ये भी सारी अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके अंदर ये बॉयल आ गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जेलेटिन, और इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है ताकि ये जो है गाढ़ी होने शुरू हो गई है और नीचे से लगे नहीं। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये डार्क चॉकलेट, और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम में ऑफ कर रही हूँ, हमारी ग्लेज बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको छान लेते हैं ताकि इसके अंदर जो है वो बिल्कुल भी कुछ भी ऐसे, ये देखें जैसे इसके पीसेस नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। ये चॉकलेट मिरर ग्लेज बिल्कुल रेडी हो गई है। अब इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसको केक के ऊपर डालेंगे।